वेलकम टू माय चैनल टॉप रसोई फ्रेंड्स। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो देखिए गाजर का हलवा हमने बनाया है, कितना टेस्टी, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी बिना घिसे मशीन पे गाजर का हलवा, बिना टाइम वेस्ट किए। आधा घंटा एक घंटा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं गाजर को घिसने में, तो आज हमें वो नहीं करना पड़ेगा। इस सारी प्रॉब्लम से हमें आज झंझट से मुक्ति मिलेगी। आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 1 kg गाजर। तो इसको सबसे पहले मैं छीलूँगी, इसको धुल लिया है मैंने साफ पानी से, तो इसको छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे गाजरों को अच्छे से छील लिया है। अब इन गाजरों के किनारों को हम काट कर लेंगे, इधर से और इधर दोनों साइड के किनारों को काट लेंगे हम हल्का हल्का। फ्रेंड्स हम इसी तरह से दोनों तरफ के किनारों को काटते जाएंगे सारे गाजरों का। फ्रेंड्स किनारों को हमने काट लिया है। अगर आपको भी गाजर घिसने में दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले क्या करिए, गाजर को छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, जितने छोटे पीसेस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। तरीके से हम सारे गाजरों का छोटा छोटा पीसेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं गाजरों के, जितना बारीक हो सके उतना बारीक छोटा छोटा पीस आप भी कर लें। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1 मिक्सी का जार। फ्रेंड्स जिस तरीका मैं बता रही हूँ आपको गाजर का हलवा बनाने के लिए, बहुत ही इजीली तरीका है ये। इस तरीके से आप भी बिना मेहनत, बिना अपने हाथों को कष्ट दिए आसानी से अपने घर में गाजर का हलवा बना सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, घंटों का मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस इजी तरीके से आप भी बनाइए गाजर का हलवा। तो देखिए मैं यहाँ पे सारे गाजरों को जो कट की थी उसे मैं डालूँगी। तो फ्रेंड्स इसे हम ग्राइंड करेंगे। आप भी अपने जार की कैपेसिटी के हिसाब से 2 से 3 बार में आप भी इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा रफली ही है जो हमने ग्राइंड किया है, थोड़ा मोटा ही है, इसको बहुत बारीक नहीं करेंगे। और इसे मैं ग्राइंड करते समय पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो आप भी इसे ग्राइंड जब करिए तो पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। और मिक्सी जिस हिसाब से मैंने चलाया वो भी बता देती हूँ। मिक्सर को हमने रुक रुक करके चलाया है, पहले चलाया फिर रुका फिर चलाया, ऐसे मैंने इसको कंटिन्यू नहीं चलाया है। तो चलिए इसे हम पलट लेते हैं। तो सारे गाजर को हमने ग्राइंड करके रख लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स इसे हलवा बना लेते हैं। इस इजी तरीके से हमारा टाइम तो बचत हुआ ही, घिसने में जो टाइम हम वेस्ट करते हैं आधे घंटे एक घंटे, और हाथ भी दुखा लेते हैं, तो वो सब का हमारा बचत हुआ। फ्रेंड्स हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम घी डालेंगे, तो फुल 1 चम्मच यहाँ पर मैं घी डालूँगी। इसे मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पर मैं 3 इलायची डालूंगी, इसको मैंने रफली तोड़ लिया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ गाजर। अब हम इनको चला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। इसको ढक लेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, ये गल ना जाए। तो इसे ढक लेते हैं, बीच बीच में इसे चलाना भी है। तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट का ही समय लगा है गाजर को भुनने में। देखिए हमारा गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। इस स्टेज पे हम दूध डालेंगे, इसे चला लेते हैं अच्छे से।
तो अब दूध डालने की बारी आ गई, तो अब दूध डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आधा लीटर ये दूध है, तो यहाँ पर मैं डालूँगी दूध को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दूध को अपने जलाएंगे, जब तक ये कम ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर रखी हूँ, लो से थोड़ा सा अधिक फ्लेम है मेरा गैस का, तो अब मैं ढक दे रही हूँ और ढक कर मैं दूध जब तक कि कम ना हो जाए, जल ना जाए, तब तक पकाऊँगी। ढक्कन हटाते हैं। चला लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दूध की क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। गाजर का हलवा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है, हमें मैश करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसमें हम डालूंगी आधा कटोरी के लगभग चीनी, क्योंकि हमारा गाजर मीठा था। बहुत से गाजर ऐसे मार्केट में हैं जो मीठे कम होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप चीनी अधिक बढ़ाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा गाजर मीठा था, तो मैं आधा कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद से 7 मिनट के लिए फिर से कवर कर लेंगे। बीच में चलाते भी रहेंगे। तो 7 मिनट के लगभग हो गया है, ढक्कन हटा के फिर से चला लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो गई है, सूख गया है दूध। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मैंने मलाई ली हूँ, इसे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल की थी और 2 चम्मच मैंने फुल चम्मच मलाई भी डाला है। हमारा गाजर का हलवा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनने वाला है। यहाँ पर मैं ली हूँ कुछ बारीक कटे हुए बादाम और किशमिश, इसे मैं डालूँगी। आप अपने मनपसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे भी चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट डालने के 2 मिनट बाद देखिए हमारा हलवा किस तरह से दिख रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी नज़र आ रही है, इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा गाजर का हलवा कितना अच्छा सुपर टेस्टी बन कर के तैयार हो गया है। दूध बिल्कुल सूख गया है, कितना अच्छा हमारा बन कर के तैयार हुआ है हलवा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गाजर का हलवा हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। तो गैस के फ्लेम को अब ऑफ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।